हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जी, आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास है। तो अभी हम लोग जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ाया है एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है। दोनों का डेफिनेशन मालूम है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड या मोलिक्यूल पे लगने वाला जो है परमानेंट इफेक्ट होता है। उसमें जरूरी नहीं होते अटैकिंग एजेंट रहे ही, लेकिन उसके कारण क्या होता है, पार्शली पोल जनरेट होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। किसी प्ले पे प्लस और किसी पे माइनस इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक, तो ये कितने तरह के होते हैं? जनरली दो तरह के इफेक्ट होते हैं। कौन कौन? प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस, एक क्या होता है निगेटिव एंड एक पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। तो ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव इफेक्ट एंड निगेटिव इफेक्ट, एंड इसका ऑर्डर मैं बता चुकी हूँ। ठीक, आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट और जेई में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लिया। मैंने एक शॉर्ट भी दिया है, शॉर्ट्स बना के मैंने दिया है किसका, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ क्या, आई इफेक्ट। तो क्या होता है, ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोजैलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या था, एप्लीकेशन देखते हैं किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। एसिड क्या है, एसिड क्या होता है, ये क्या देता है, H प्लस आयन देता है और बेस OH माइनस आयन देता है। ये होता है ना, एसिड H प्लस आयन और बेस OH माइनस आयन देता है। तो जब किसी कार्बोजैलिक एसिड है, ठीक, उसमें कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दो तरह का ग्रुप मैंने बताया था आप लोग को, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप बहुत कम होता है और माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो अपने तरफ खींचे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोजैलिक एसिड के चेन में कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, उस चेन के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। कैसे, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से एच प्लस आयन ओ से क्या हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। तो किसी भी कार्बोजैलिक एसिड के कार्बन के चेन पे जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है तो क्या होता है, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। यही मैंने ये बताया है यहाँ पे, पता क्या, ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजैलिक एसिड क्या होता है। जब देखिए यहाँ पे ये कार्बोजैलिक एसिड का चेन, ये कार्बन का चेन है, यहाँ पे ऐसा कार्बन चेन लगा रहेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहे जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आसानी से अलग हो सके। तो वो जब इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसा जुड़ा रहेगा तो जितने भी मैंने बताया था, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या था, अल्काइल था और एक दो था, जैसे ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस, ये था ना, तो यही था। तो ये क्या बताया गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेड स्टेबलाइजिंग द कंजुगेटेड बेस, जब कंजुगेट बेस होगा तब उसका स्टेबलाइजिंग डिक्रीज होगा। ठीक है, और क्या होता है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द कार्बन चेन ऑफ कार्बोजैलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजैलिक एसिड। मैंने अभी वही तो बताया है, जो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब उसके कार्बन वाले चेन में जुड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जिससे उससे ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन एटम आसानी से अलग हो जाएगा। और H प्लस मतलब एसिड मतलब क्या होता है, जो H प्लस आयन आसानी से दे। आगे बात समझ में, अब दूसरा टर्म देखते हैं। चलिए, इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेगा तो बहुत आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके खींच लेगा, तो ये बन जाएगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि
अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और प्लस इस पे आ जाएगा एच प्लस, इसे खींच लिया गया। वही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा और देगा, तो ये टूटेगा क्यों, ऑक्सीजन क्यों खींचेगा, नहीं खींचेगा, तब ऐसा बनेगा ना, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसके जस्ट बच, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसमें जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने वही लिखा जो मैंने अभी बताया है, इसमें क्या वो स्टेबलाइज कर दिया था कंजुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप पर, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, कंजुगेट बेस को डिसस्टेबलाइजिंग कर देता है, एंड इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, एसिड का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे दो तीन केस जब क्या होगा, अब जलिक एसिड तो सेम होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का फर्स्ट केस में मान लीजिए पोजीशन चेंज करेंगे, सेकंड केस में नंबर चेंज करेंगे, थर्ड केस में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ही चेंज करके देखेंगे। तो फर्स्ट केस में मान लीजिए ले लेंगे हम काउजेलिक एसिड, एक केस में अभी मैं बारी बारी से बताऊंगी जो किसकी स्टेबलाइजिंग ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, अगर अल्फा कार्बन पे रहा फंक्शनल ग्रुप तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या बीटा कार्बन वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा, या गामा कार्बन वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, या दो वाला या तीन वाला, या फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके देखेंगे नाइट्रो ज्यादा स्टेबल है या क्लोरो ज्यादा स्टेबल है या फ्लोरो या ब्रोमो, ये केस मैं अभी आप लोग को बारी बारी से बताऊंगी, और बारी बारी से बताऊंगी उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हैविंग सेम नेचर, वो सेम नेचर का हो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लेंगे, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमीन, नेट्रो लिए तो नेट्रो ही लेंगे, सेम इन नंबर, नंबर भी सेम होगा, अमाउंट ज्यादा नहीं, एक है तो एक ही रहेगा, बट डिफरेंट इन पोजीशन, पोजीशन डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए हम काउजेलिक एसिड का देख रहे हैं क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनोइक एसिड ले लेते हैं, क्या लिए, ब्यूटेनोइक एसिड ले लिए। अब इसका हम फोर कंडीशन देखेंगे, पहला कंडीशन इसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जस्ट बगल यानी एडजेसेंट कार्बन को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा रहा है, यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा दिए, कौन से कार्बन पे है, अल्फा कार्बन पे। दूसरा कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, CH3 यहाँ CH यहाँ लगा दिए फंक्शनल ग्रुप, ये CH2 एंड ये COOH यानी ये बीटा कार्बन, वो अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। तीसरा केस में क्या लेंगे हम, गामा कार्बन पे लगा देंगे CH यहाँ पे लगा देंगे F यहाँ CH2 हाँ CH2 COOH ठीक, ये गामा पोजीशन। और मैंने पहले ही बताया तीन पोजीशन के बाद चौथा कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करता है, निग्लेजिबल हो जाता है, बताई थी ना, ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं जिसमें कहीं लगा ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप, CH2 CH2 COOH। अब स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन ऑर्डर देखेंगे, यानी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देखिए किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप तो बहुत ही क्लोजली क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो बहुत ही आसानी से क्या होगा, ये एच और ओ आपस में सेपरेट हो जाएंगे, यानी बहुत ही आसानी से ये ब्यूटेनोइक एसिड एच प्लस आयन देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, नंबर वन, उसके बाद ऑफ कोर्स नंबर टू, इसके बाद नंबर थ्री एंड सबसे लास्ट में नंबर, ये इसकी स्टेबिलिटी
ऑर्डर हुई, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। आगे बात समझ में बच्चों? अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं सेम इन नेचर बट नॉट सेम इन नंबर, और पोजीशन सेम होना चाहिए बट सेम पोजीशन। अब क्या किए, नेचर सेम है, पोजीशन सेम है बट नंबर अलग अलग हो गया। अब मान लीजिए इसी पोजीशन पे हम पहले एक लगाए, दूसरा में क्या कर दिए, दो ठो लगा देंगे। यहाँ पे CH2 ले लो, यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे लगा लिए, यहाँ ले लेते CH3 COOH, ठीक। दूसरा भी CH3 COOH एंड चौथा CH3 COOH, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ C2 लगा, एक टू लगा दिए, थोड़ी दूर इसमें दो लगा दिए, एक दो, और इसमें लगा दिए तीन, आप बताइए। और इसमें कुछ नहीं, आप बताना है जो किसी किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसका कम। तो जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, 3 > 2 > 1 > 4। आगे बात समझ में, जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा अपनी तरफ से, तो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका, उतना आसानी से क्या होगा H+ आयन दे देगा। आप फंक्शनल ग्रुप क्या देखते हैं, पोजीशन सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहे, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर को याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया है फंक्शनल ग्रुप को, उसको अच्छे से मैंने शॉर्ट बना के दिया है। माइनस आई इफेक्ट वाला मैं प्लस आई इफेक्ट वाला भी नहीं दी हूँ, माइनस करके मैंने अभी आज शॉर्ट बनाया, आज मैं अपलोड करूंगी, देख लीजिएगा। ओ नौजवान सैनिको नहाओ, नो सल्फो सेना आलसी, नो इथे सल्फो सेना आलसी, इसके 3-2-1 करके मैंने दिया है, वो तो मैंने दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जाके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप अब देखेंगे क्या, अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो है, सो नेचर अलग होगा, पोजीशन सेम होगा बट नेचर अलग होगा और नंबर भी सेम होगा, तो फिर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो चले, अब क्या है, डिफरेंट इन नेचर बट सेम इन पोजीशन एंड सेम इन नंबर, तो कौन ज्यादा होगा। इसके लिए मैंने पहले बोला आपको याद करना, अगर मान लीजिए हमें हेलोजन मिले, मैंने हेलोजन ले लिया, तो हेलोजन का क्या होता है, कौन ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है और कौन ज्यादा कम, उसका ऑर्डर होता है, हेलोजन का होता है क्लोरीन > ब्रोमीन > आयोडीन, सबसे ज्यादा एक्टिव क्लोरीन होता है उसका, क्लोरीन इसके बाद ब्रोमीन इसके बाद आयोडीन, ये याद कर लेना है। तो अगर मैंने लगाया, यहाँ लगा लिया CH2, यहाँ पे लगाया क्लोरीन COOH, दूसरा में CH2, यहाँ लगा लिया ब्रोमीन, नहीं हाँ मान लीजिए क्लोरीन ही लगा लेते ऑर्डर से, COOH यहाँ लगा लिए CH2, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ठीक है, एंड क्लोरीन एंड चौथा में आयोडीन लगा दे CH2 COOH, यहाँ पे आयोडीन। तो अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो सिंपल है,
वन ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन थ्री एंड ग्रेटर देन फोर। तो ये क्या हो गया, इसके पोजीशन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ये बता रहा है। उसका पोजीशन अगर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर चेंज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, एंड अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ये पूरा याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब जो मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्म ऑफ एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ का टर्म देखेंगे किसमें, के ए के बी, पी के ए एम पी के बी के टर्म में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर होता है वो हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिएगा, जब भी मैं कुछ बनाऊंगी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और जल्द से जल्द लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए जिससे मेरा मोरल बूस्ट हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।